with हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेहान से मिलने। आज बारिश हो रही है और हम लोग का प्लान है बहराइच जाने का। मुश्किल लग रहा है थोड़ा, देखते हैं क्या होता है। ये बलरामपुर का रेलवे स्टेशन है झारखंडी, उसके पास की क्रॉसिंग है। यहाँ पे अक्सर ऐसे ही जाम मिल जाता है, हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक रहती है। हाँ तो गाइस, रेहान आ गया मेरे साथ। अब हम लोग निकल रहे हैं बहराइच के लिए। कोई वहाँ की दरगाह फेमस, क्या नाम है भाई उनका? सैयद सालार मकसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। फिर से बताओ। तो आज हम जा रहे हैं बहराइच की तरफ, जो कि बहराइच में बहुत फेमस दरगाह है, जिसका नाम है सैयद सालार मकसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। उस दरगाह की जियारत करने जा रहे हैं और वहाँ का व्लॉग भी शूट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग के साथ एक हम लोग का फ्रेंड और है, नाम है शिवम साहू। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं बहराइच, और चलिए बढ़ते हैं बहराइच की तरफ, वरना काफ़ी लेट हो जाएगी। ऑलरेडी हम लोग को लेट हो गया, 2 बज गया। लगभग कितना बज गया? हाँ, 2 बज गया लौटना। हेलो दोस्तों, हम लोग बहराइच पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो बहराइच का एंट्रेंस है। ये दरगाह का रास्ता है, नहीं ये दरगाह का भी रास्ता है, अंदर से दरगाह का रास्ता भी गया हुआ है। तो आप देख सकते हो हम लोग बहराइच में इंटर कर गए हैं। ये बहराइच का एरिया है, ये पूरा आउटर साइड है। आदमी रसूल है बहराइच शरीफ का, आप ये देख सकते हो, और मैं इसमें इंटर करूँगा। ये एंट्रेंस है इसका, यहाँ पे तो ये आप देख सकते हो आदमी रसूल का है। तो ये आप देख सकते हो, ये बारिश का मौसम है इसलिए ऐसा दिख रहा है। बाकी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है आदमी रसूल। तो आप देख सकते हो यहाँ से एंट्री है इसकी, दरगाह है पूरा, ये पूरा उसका एरिया है। हज़रत सैयद सालार मकसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बहराइच ज़िले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। और आप जानते हैं कि यहाँ हर साल मेला लगता है और यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं। यहाँ पर मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान, मतलब सबसे नहीं कह सकते, यहाँ इस इलाके में इससे बड़े पवित्र स्थान कोई नहीं है। बहराइच में सैयद सालार मकसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह काफ़ी फेमस है, जो कि लोग बाग जानते हैं इनको। माना जाता है कि गाजी मियां अपने मामा के साथ भारत आए थे, वो भी 11वीं शताब्दी में, और 12वीं शताब्दी तक उन्हें एक संत के रूप में देखा जाने लगा था, जिसकी वजह से बहराइच की ये दरगाह मुसलमानों के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान बन गया।
मार्केट है यहाँ की। बहुत बड़ी मार्केट है दूर तक। मेले में रौनक ज़्यादा रहती है। हाँ मेले के टाइम पे ज़्यादा रहती है। तो अभी हम लोग दरगाह से निकल के बाहर आए हैं और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन भाई एक बात बताऊँगा, जब हम लोग दरगाह से निकल के आए ना, एक कैसा ऐसे एकदम सुकून सा, मतलब जैसा लग रहा था कि हाँ बस शांत रहो, मेरे अंदर से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। बहुत ये अभी भी बहुत महसूस ऐसा लग रहा है, मतलब नहीं ये चीज़ है भाई, ये चीज़ मैंने, हाँ ये चीज़ मैंने भी नोटिस की हर जगह, मतलब ऐसे कई किसी भी ऐसी प्लेस पे जो पवित्र स्थान हो, हाँ किसी भी ऐसे प्लेस पे चाहे मंदिर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, ऐसे जगह से एक बार अगर दर्शन करके लौट रहे हो तो एक सुकून महसूस होता है, एक शांति मिलती है, मन को एक शांति मिलती है। तो काफ़ी अच्छा लगा घूम के, उम्मीद करते हैं आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। अब हम लोग वापस जा रहे हैं बलरामपुर, बलरामपुर का वापस जाते वक्त आप लोग को दिखाने लायक कुछ है नहीं, वही सड़क सड़क वही खेत वही सब है ना। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग ने एंजॉय किया कि नहीं किया, अगर किया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, मतलब वीडियो देखिए। एक्चुअली वहाँ पे क्या था कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं कर रहे थे, तो हम लोग से जितना हो सकता था हम लोग ने उतना फुटेज निकाल लिया अपने हिसाब से। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इस तरीके के और वीडियोस पाने के लिए हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारा भी चैनल ग्रो होगा और आप लोग को हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे हमेशा देते रहेंगे। क्या बोलते भाई, ये अभी भी मदहोश है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।